हेलो एवरीवन, लेट्स टॉक टू गोवा। एक ऐसा शहर जो सपनों से, आपके सपनों से आपसे बात कर पाएगा, वो है गोवा। गोवा बहुत ही सुंदर शहर है। अगर आपके सपने आपसे बात करे, आप उनसे से बात करे, तो ज़रूर एक बार गोवा जाना चाहिए। वहाँ पर बीचेस सचमुच बहुत ही सुंदर है, और वहाँ का जो बहुत बड़े बड़े चर्चेस है और फोर्ट्स है, सी बीचेस है, अरेबियन सी है, मार्केटिंग है, लोकल मार्केटिंग है, सारे चीज़ का भरमार एक ही नाम है, गोवा। जी ओ ए गोवा। वहाँ का सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण एक चीज़ है पीस। अगर आपको पीस चाहिए तो गोवा चलिए। गोवा में आपको सारी वो चीज़ मिलेगा जो आप ढूंढ कर भी नहीं ढूंढ पाएंगे। वहाँ का लोकल मार्केटिंग, वहाँ का पॉल्यूशन फ्री, पूरी तरह पॉल्यूशन फ्री है वहाँ पर, और इतने सारे मनोरम बीचेस है वहाँ पर, और वहाँ का पीस। और क्या चाहिए आपको? सारी चीज़ को मिलाकर अगर आप देखेंगे तो गोवा परफेक्ट नेम है। और वहाँ का बड़े बड़े चर्चेस जो पुराने 70 दशक का, 1761 का चर्चेस है, मार्केट है, आप आपकी पसंद का खरीदारी कर सकते, और बहुत पीसफुल एरिया है वहाँ पर। और जो बड़े बड़े पर्तुगीज उन्होंने बनाए थे, उनका टाउन, वो सब दिखने को मिलता है वहाँ पर, अभी भी है, पुराने हैं। सारी की सारी विलेज है, कोस्टल एरिया है, और मछुआरों का गांव है, और सबसे ज़्यादा इतनी सुंदर सी बीच। वो अगर किसी और चीज़ के लिए स्पेशलिस्ट है, वो है फेनी वाइन लीकर। फेनी, फेनो या फेनी, FENNO और FENNY, इंडो पुर्तगीज का मिला जुला जो फेमिनो, FENNIM या FENI, जो भी बोल सकते हैं। फेनी टू टाइप्स का होता है। गोवा में दो तरह का मिलता है, एक कोकोनट से बना हुआ, एक काजू के सीओ से बना हुआ। और फॉरेन टूरिस्ट के लिए एक्टेटिक, फॉरेनर्स के लिए तो फेनी सबसे ज़्यादा एक्टेटिव इंडिया में, गोवा में। अगर कहीं पर वो जाते हैं तो गोवा में जाते हैं इसीलिए, इसी को टेस्ट करने के लिए। लेकिन ये उनका लोकल अल्कोहल है फेनी। फेनी हर घर में मिलेगा आपको गोवा में सबसे ज़्यादा। अगर किसी चीज़ को पसंद किया जाता है, वो फेनी गोवा में। देखिए, गोवा में आपको क्या नहीं करना चाहिए? लहर से बातें, वो बड़ी जिद्दी लहरें हैं। ऐसे बोलते हैं ना, लाइफ इज द नेम ऑफ वॉकिंग, कीप मूविंग मॉर्निंग एंड इवनिंग, एंड इवनिंग टू मॉर्निंग एंड मॉर्निंग टू इवनिंग, दैट्स गोवा। आप सब कर सकते हैं, लहरों से बात नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, वो आपके लिए एक चीज़ कर जरूर कर सकते हैं। वो जो आप सपने में बात करते हैं ना, उनसे आप वो बात कर सकते हैं अरबियन सी के साथ, अरबियन सी के साथ। गोवा में और एक चीज़ फेमस है, बहुत फेमस है, वो है गोवा की सबसे बड़ी खूबसूरती है उनका चर्च, और उनकी अंदर जो मम्मी है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और उनको देखना ज़रूर चाहिए। चर्चों को यूनेस्को तरफ से विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है। उनका अगर आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन, वो सन 1594 का, उन चर्चेस का आर्किटेक्चर स्टाइल बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया। उनके अंदर जो मॉमीज है वो शायद बहुत पुराने हैं। अगर आपको सचमुच गॉड जीजस के ऊपर आपको फेथ है, आप उनको लव करते हैं, आपको उनको ट्रस्ट करते हैं, तो इन चर्चों के अंदर जरूर एक बार देखना चाहिए। कुछ चर्च ओल्ड गोवा में ही, कुछ चर्च आपको गोवा में मिल जाएगा और पिलिग्रम में भी मिल जाएगा। बहुत सारी जगह पर इतने बड़े बड़े चर्चेस आप कहीं पर नहीं देखने को पाएंगे जो गोवा में हैं। और अगर आप सच में देखेंगे तो पता चलेगा।
इन तटों के अलावा गोवा में अगर आपको थोड़ा सा भी वक्त निकालना पड़े तो इन चर्च के अंदर आप जाएं। उनकी खूबसूरती, उनका स्ट्रक्चर, उनका कंस्ट्रक्शन बहुत ही बेहतरीन कारुकार्य से बना हुआ, और कई सालों का ही, ये बहुत ओल्ड है, बहुत पुराना है, लेकिन उनका इमारत अभी भी सही सलामत है। ये फेमस वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेरेशन किया गया है इन चर्चों को। ये रोमन कैथलिक चर्च है, कितने सारे लोकेटेड है, कोंकण में है, पिलीग्राम में है, पनाजी में है, गोवा की ओल्ड गोवा में है, बहुत सारे चर्च है जो बहुत सालों का, कोई कई कई सालों से, 1500 में बना है, कोई 1700 में बना है, लेकिन अभी तक इनका जो स्ट्रक्चर है इतना मजबूत है, देखने लायक है। और उनके अंदर आप जब एंट्री लेते हैं वहाँ आप खुद फील कर सकते हैं इसके अंदर कितना सुकून है, कितना पीस है, कितना आपको अंदर से आपको कुछ अलग सा महसूस जरूर होगा। ये मैं खुद एक्सपीरियंस किया है। अगर आपको टाइम मिलता है तो जरूर इन चर्च की भी विजिट करिए गोवा में। द सेंट जॉन द बैपटिस्ट चर्च इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस चर्च इन गोवा। सिचुएटेड ऑन टॉप ऑफ द हिल, इट हैज़ द मोस्ट एलिगेंट चर्च इन गोवा। गोवा की पानाजी में एक चर्च बहुत ही चर्चित है, जो ओस्ली का ओम जीजस के नाम से परिचित है। उस चर्च को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित किया गया है। यहाँ सेंट फ्रांसिस जेवियर, जिनका शरीर 450 साल से सुरक्षित रखा गया है, कहा जाता है कि फ्रेंचिस जिसका जेवियर जिसकी बड़ी में आज भी दिव्य शक्तियाँ मौजूद है, जिस वजह से आज तक खराबी नहीं हुई। हर साल इस चर्च को देखने के लिए यहाँ देश विदेश से हजारों टूरिस्ट आते हैं। 3 बार दफनाने की कोशिश की गई लेकिन बड़ी सड़ी नहीं, आज भी मौजूद है दिव्य शक्तियाँ, ये कहावत है। लेकिन इसको मैंने महसूस किया है, मैंने खुद इस चर्च को 2 बार विजिट कर चुकी हूँ। पहली बार जब गई थी इस चर्च के अंदर, इसके लिए वार्ड नहीं है, मैंने खुद उसको एक्सपीरियंस किया है। उसके अंदर कुछ मिले या ना मिले, लेकिन शांति और उसके साथ सुकून इसकी डेफिनेटली आपको मिलेगा।